मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज चलो हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी कक्षा प्रथम रिमझिम पार्ट वन पाठ नंबर आठ। पाठ का नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। बहुत सारे चूहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। एक चूहा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चूहो म्याऊं सो रही है। आप अपनी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। पढ़ने से आप विद्वान बनेंगे, होशियार बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, सब आपको प्यार करेंगे। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे और पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है। मतलब सोने में जब वो सांस ले रही है तो सांस लेने में आवाजें आ रही हैं। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले और चने रसीले, रसोई खुली हुई है, चने रखे हुए हैं, चलो हम लोग चने खाते हैं। चूहा दूसरे चूहों से बोल रहा है। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, सिकोड़ो सिकोड़ो, नीचे उतरो, सबको बुला रहा है चूहा, सबको बुला रहा है, नीचे उतरो, चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहाशाही, डर कुछ भी चूहों को
नहीं है। चूहो म्याऊं सो रही है। चूहों म्याऊं सो रही है। चूहों म्याऊं सो रही है। अब प्रश्न नंबर 60, पेज नंबर 60। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। 1 2 3। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। हमने तीन चीजें देखी। हमने तीन चीजें देखी। दादा तीन चीजें देखी। बच्चा अपने दादाजी को बता रहा है। क्या बता रहा है? हमने तीन चीजें देखी। दादा तीन चीजें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी। ककड़ी मकड़ी खा रही थी। ककड़ी लकड़ी मकड़ी ककड़ी। मकड़ी ककली ककड़ी लकड़ी। और ककड़ी लकड़ी मकड़ी। नाउ नेक्स्ट पेज 67। हमने तीन चीजें देखी। दादा तीन चीजें देखी। एक खेत में थी। कुछ बालू। बालू पर बैठा था भालू। भालू खा रहा था आलू। भालू खा रहा था आलू। बालू भालू आलू और भालू आलू बालू और आलू बालू भालू।
कितना अच्छे से लिखा है, बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। बच्चों पाठ समाप्त, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब अच्छे से पढ़ना सीखो, अच्छे से पढ़ो प्लीज, फिर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।